भारतीय जनता पार्टी के झंडे भाजपा कार्यकर्ताओं के हर घर पर नजर आएंगे, क्योंकि भाजपा द्वारा यह राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने भाजपा के हक में लहर चलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे अपने घरों पर पार्टी का ध्वज लहराएं। सोलन में भी यह अभियान, जिसका नाम अपना परिवार भाजपा परिवार है, चलाया गया, जिसके अंतर्गत शिमला लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने अपने निवास स्थान पर पार्टी का ध्वज लहराया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारत माता की जयकार के नारे लगाए। वहीं इस मौके पर भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए कहा कि सांसद ने अपने क्षेत्र में क्या विकास किए और क्या नहीं, इसका हिसाब वे जनता को देंगे, लेकिन कांग्रेस नेता उनसे यह सवाल पूछ रहे हैं तो वे उन्हें इस बात का जवाब देना उचित नहीं समझते। उन्होंने बताया कि आज वे अपना परिवार भाजपा परिवार के अंतर्गत अपने घर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा पार्टी का ध्वज फहरा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को कोई हिसाब लेने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि विपक्ष जो है केवल मात्र जनता के दुख दर्दों के बारे में सोचे और अपनी पार्टी के बारे में सोचे। भाजपा के जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो जवाब हम अभी 2019 के जो चुनाव आएंगे वो हम अपने मतदाताओं को देंगे। हमें कांग्रेस को जो है वो जवाब नहीं देना है। ये अपना परिवार भाजपा परिवार, उसके अंतर्गत सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो अपने अपने घरों पर जो है 14 फरवरी से लेकर वो अपने घरों पर पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल वाला झंडा जो है वो फहरा रहे हैं। आज जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ये झंडा पार्टी का अपने घर पर फहरा रहे हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और मेरे यहाँ के बूथ के अध्यक्ष वो आज मौजूद हैं।